हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एक्सरसाइज 7.2 का। ठीक है, इसमें दिया गया है एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलस ट्राइंगल्स। एबीसी मतलब ये ट्राइंगल आइसोसेलस है, तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स बराबर है, और डीबीसी मतलब डीबीसी ये दूसरा ट्राइंगल, ये भी आइसोसेलस है, तो इसका मतलब इसकी दोनों साइड्स भी बराबर होंगी। ओके, दोनों साइड्स इसकी भी बराबर है। हमको शो करना है कि एंगल एबीडी, एबीडी मतलब ये पूरा एंगल इज इक्वल टू एसीडी, एसीडी इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये प्रूव करना है हमें। तो हम देखते हैं, हमको सबसे पहले गिवन क्या क्या है। देखिए, हमें गिवन है एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलस ट्राइंगल, तो जिससे हमें पता चलता है कि इनकी साइड्स बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी और बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें गिवन है। ठीक है, और हमको शो करना है, शो करना है या प्रूफ करना है, टू प्रूव, हमको प्रूफ करना है कि एंगल ए बी डी, ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ए बी डी मतलब ये एंगल बराबर है इस एंगल के, ए सी डी इस एंगल के बराबर है। ओके, तो हम प्रूफ करते हैं। देखिए देखिए, हम पहले ए बी सी लेते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी मतलब ए बी सी, सिर्फ हम ऊपर वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं समय। इस ट्राइंगल में अगर हम देखते हैं, देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो हमने पढ़ा था कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर ये एंगल इक्वल है तो इसके अपोजिट साइड के जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होंगे। तो हमें देखिए दिया गया है ए बी इज इक्वल टू ए सी, सिंस AB is equal to AC, तो AB और AC बराबर हैं। तो देखिए AB के अपोजिट कौन सा एंगल है, ये एंगल C, C का मतलब ACB, तो हम लिख सकते हैं एंगल ACB is equal to AC के अगेंस्ट में, ये AC है इसके अगेंस्ट में ये एंगल है, तो इस एंगल का मतलब ABC, एंगल ABC। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, और आप यहां पर लिख सकते हैं इसका रीजन, तो हम लिखेंगे एंगल्स, एंगल्स अपोजिट टू, अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, आर इक्वल मतलब अगर ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है तो इनकी अपोजिट एंगल, जैसे देखिए ए सी इसके अपोजिट एंगल बी बनता है और ए बी इसके अपोजिट एंगल सी बनता है। ठीक है, तो हमने ये बता दिया कि अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे। तो सेम हम दूसरे ट्रायंगल में भी इसी तरह दिखाएंगे, एंड इन ट्रायंगल दूसरा जो ट्रायंगल है हमारे पास बी डी सी इस ट्राइंगल में भी हमारे पास देखिए बी डी इज इक्वल टू सी डी है, वी हैव बी डी इज इक्वल टू सी डी या डी सी। ठीक है, अगर ये इक्वल हैं तो इसके अपोजिट वाला एंगल मतलब ए बी डी के अपोजिट कौन सा एंगल है, सी, सी का मतलब बी सी डी, तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है, इस साइड के अपोजिट ये एंगल है, तो मतलब डी बी सी, डी बी सी। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, और इसके लिए भी हम सेम रीजन देंगे, एंगल्स अपोजिट टू
इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उनके एंगल्स भी, उनके अपोजिट साइड के एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, इनको ऐड करने से देखिए इसकी लेफ्ट साइड देखते हैं, एंगल एसीबी है और एसीबी, देखिए हमने इक्वेशन फर्स्ट का एसीबी लिया है और ऐसे हम इक्वेशन सेकंड का बीसीडी ले लेंगे, बी सी डी। ठीक है, ये इक्वल होगा एंगल इक्वेशन वन का राइट साइड मतलब एंगल एबीसी प्लस एंगल सेकंड इक्वेशन का डीबीसी। ओके, तो अगर हम देखें यहां पर एसीबी, हम डायग्राम को देखते हैं, देखिए एसीबी, तो आप देखिए यहां पर एसीबी मतलब ये एंगल, मतलब ये एंगल आपका, और प्लस दूसरा हमने लिखा था बीसीडी, ये हमने लिखा है बी सी डी, तो बी सी डी हम देखते हैं, बी सी डी मतलब ये एंगल, तो इन दोनों एंगल्स की जगह हम लिख सकते हैं ए सी डी। ओके, ये दोनों मिलकर बन जाते हैं एंगल ए सी डी इज इक्वल टू। अब दूसरा जो दो एंगल है हमारे पास है ए बी सी और डी बी सी। ठीक है, हम देखते हैं, देखिए ए बी सी मतलब ये एंगल और डी बी सी मतलब ये एंगल, तो ये दो एंगल मिलकर एक बड़ा एंगल बनाते हैं ए बी डी। ठीक है, तो ये बनाते हैं एंगल ए बी डी। तो देखिए हमारा प्रूफ हो गया ना, ए बी डी हमसे पूछा गया था, हमको क्या प्रूफ करना था, हमको प्रूफ करना था ए बी डी इज इक्वल टू ए सी डी, तो हमारा प्रूफ हो गया ए बी डी इज इक्वल टू ए सी डी। ओके,